हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और ये वीडियो हम शूट कर रहे हैं इस वक्त अपने गांव घर में। तो एक सप्ताह पहले मैं आया था चवासा से गांव, जो कि बहुत सारा इम्पोर्टेंट काम की वजह से, इम्पोर्टेंट यार मेरा नहीं, मेरा गार्जियन का, जो कि उनका काम की वजह से मैं आया था गाँव। सबसे पहले हम बात करते हैं इस वीडियो का क्या करने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम करने वाले हैं विलेज टूर, जो कि मैं टूर कराऊंगा। सबसे पहले इस जगह पे टूर कराऊंगा कि है क्या चीज़ इस जगह पे। उसके बाद थोड़ा आउटसाइड, आउट ऑफ एरिया, मतलब हम लोग शूट करेंगे वीडियो। और जो आज मेरा दिन भर सुबह से शाम जो भी है, वो सारा चीज़ भी इसमें मिक्स रहेगा और दिखाने वाले। तो उससे पहले मैं यहाँ पर दिखा दूँ कि मेरा आसपास, मेरा घर के आसपास क्या क्या है, क्या नहीं है, वो सारा चीज़ मैं दिखा दूँ आपको। सबसे पहले ये देख लो, कुछ स्टेप से है मेरा घर, ये दिख रहा है, ये वाला हिस्सा, ये वाला पूरा एकदम, ये बना है 2002 में। वहाँ साइड में लिखा हुआ, इस जगह पे लिखा हुआ है 2002 में बना, कंप्लीट हुआ था। ये बाउंड्री हुआ है, तो ये हम लोग का पूरा इस टाइप से बाउंड्री हुआ है। क्योंकि अगर ना बाउंड्री कर रहे हो तो यहाँ पे एक चीज़ है कि आपको हर जगह पे पब्लिक का झगड़ा, भाई ज़मीन की वजह से ना कितना झगड़ा होता है। तो इस वजह से हमने क्या किया है कि अगर ये ज़मीन को हमने एकदम चारों तरफ से बाउंड्री करके रख दिया है, ताकि ये सेफ रहे और कोई दिक्कत ना हो इस टाइप से। मतलब एकदम चारों तरफ से बाउंड्री, बीच में घर। और ये जो सामने दिख रहा है आपको चमगादड़, ये शाम के टाइम पे 6:30 बजे आसपास यहाँ से निकलेंगे और घूमते हो घूमते हो घूमते हो पूरा जंगल चले जाएंगे। फिर सुबह, मतलब नेक्स्ट डे सुबह 4:30 बजे आसपास वापस आ जाएंगे और यहाँ पर स्टे करेंगे, मतलब रहेंगे। तो इस टाइप से, और मेरे से ना कुछ भी गलती हो जाए तो माफ़ करना, क्योंकि मैं आधे से ज़्यादा जब भी मैं गाँव में होता हूँ, तो मेरा जो झारखंड में रहते हैं, तो झारखंडी लैंग्वेज और लोकल लैंग्वेज, गांव वाला विलेज स्टाइल जो भी बात करते हैं ना, मतलब वो सारा चीज़ मेरे जुबान पे आ जाता है। तो नोटिस करना, कुछ कुछ वर्ड ऐसा होगा और कुछ कुछ वर्ड है कि समझ आ जाएगा, तो समझ रहे। सबसे पहले अभी निकलते हैं, एक गमछा लेते हैं, क्योंकि अभी काफ़ी ज़्यादा धूप हो रहा है। मार्च के बाद देख लो काफ़ी ज़्यादा धूप बढ़ जाएगा। भाई ये देखो, ये मेरे पास हाथ में है ना, इसे हम लोग लोकल में यहाँ पे गमछा बोलते हैं। आप लोग क्या बोलते हैं कमेंट करके बताओ, और कहाँ से देख रहे हैं ये भी कमेंट करो। इसे हम लोग लोकल में गमछा बोलते हैं, गमछा, गमछा। देखो अब भाई फोकस कर दे, महंगा फ़ोन लेने का फ़ायदा कुछ है, फोकस कर दे। हाँ ये देखो, ये राहड़ का है पूरा एकदम, हमने लगाया यहाँ पे, छोटा सा, ज़्यादा बड़ा एरिया में नहीं है, छोटा सा एरिया में है ये। मैं लेके जा रहा हूँ कुल्हाड़ी, जो कि मेरा बहुत काम आने वाला है। इस खस्सी को मैंने ख़रीदा था 8,000 में, तो उस खस्सी के लिए अभी हमें पत्ता तोड़ के लाना होगा जंगल से, तो साथ में उसे भी लेके जाएंगे। बेटा ये देखो, ये ना आराम से रोड में सोया हुआ है। बाकी बकरी लोग को देखो, बकरा लोग को देखो, खा रहा है, आराम से चर रहा है। लेकिन ये हमारा बकरा देख रहे हो, ये खस्सी, भाई इसे कौन सा पता नहीं घमंड है, साला एकदम चरने का नाम नहीं लेता है। भाई ये फंस चुका है, ये देखो भाई, इसे चरना तो है नहीं। अब आदमी देखेगा तभी ये चरने का स्टार्ट करेगा। तो इससे पहले भाई इसे हम सब खोल लेते हैं। तो गाइस अभी मैं आ चुका हूँ जंगल के साइड, थोड़ा गाँव के पास ही ये जंगल, तो उधर आ चुके हैं। और ये दिख रहा है आपको खस्सी, भाई इसका एकदम एक से एक नखरा है, और नखरा समझ रहे हो भाई, ये अगर मैं वहाँ ना बैठूँ उसके साथ तो भाई ये खाएगा नहीं, समझ रहे हो, ऐसे है। और उसके साथ बैठा भी रहा हूँ तो खाएगा खाएगा, अगर वहाँ से मैं चला जाऊँ तो भाई दिन भर रोते रहेगा। 8,000 में मैंने खरीदा भाई, एकदम खाता ही नहीं भाई मेरा बिना। मेरे पीछे आ जा भाई, ये आ रहा है मेरे पीछे, आने नहीं, खोज रहा है, पता है मेरे को पत्ता खोजना पड़ेगा। सबसे पहले मैं इसे बांध दूँ कहीं एक जगह पे, लोकेशन मैं चूज कर लेता हूँ सबसे पहले। तो गाइस अभी हम आ चुके हैं जंगल के साइड। तो गाइस ये देख लो, इसका नखरा आनंद नहीं खोज रहा है भाई, तू आजा जैसे भी करके आजा। एक दिन तो मेरे को ना खींच के गिरा दिया था ये बकरा। भाई देख लो, मैं बकरा यहाँ खस्सी चरा रहा हूँ, साइंस लेके पढ़ने वाला बच्चा साला यह खस्सी चरा रहा है भाई, ये खतरनाक सा सीन हो रहा है। और विलेज स्टाइल में देख लो, मेरा गर्दन में गमछा लटकाया हुआ भाई, एकदम देसी लुक में, एक हाथ में कुल्हाड़ी लिए हुए और ब्लॉगिंग करते हुए साइंस लेके अभी कर के आ रहा है, देख लो तो वो हंसी भी आ रहा है। ये ना मेरे को उस टाइम पे मेमोरी में याद रहेगा, जब मैं मतलब बड़ा हो जाऊंगा, फिर कुछ कर लूँगा, तो उसके बाद जब इस वीडियो को मैं वापस देखूँगा तो भाई बहुत जोर का मेरे को हंसी आएगा। मेरे को पता है ये सारा चीज़ मेमोरी बनाना भी चाहिए, और लाइफ में क्या क्या करा, कम से कम एक तो मेमोरी बन कर आएगा तो याद भी रहेगा। तो अभी हम आ चुके हैं ये जगह पे, इस पेड़ पे, ये जो पेड़ दिख रहा है आपको, ये छोटा वाला और सामने एक बड़ा वाला, हम इसमें चढ़ने वाले। सबसे पहले इसको हम यहाँ पे बांध देंगे, ये जो नीचे दिख रहा पेड़ का टहनी में, तो यहाँ पे बांध देंगे इसको। उसके बाद
हम चढ़ने वाले हैं ये पेड़ के ऊपर और इसके लिए पत्ता तोड़ेंगे। ओ बकरा क्या देख रहा है सारा, मेरे को परेशान करके रखा है तुम। तो गाइस ये देख लो, कैमरे के सामने आ रहा है फोटो खिंचाने के लिए, वीडियो बन रहा था भाई, फोटो खिंचाने के लिए आ रहे हैं। सबसे पहले इसे हम बांधने वाले हैं। ए ए ए ए तो गाइस अभी मैं चढ़ने वाला हूँ पेड़ पे, जो कि इस पेड़ का नाम मेरे को पता नहीं, लोकल लैंग्वेज इसको बोलते हैं लोहा पेड़, लोहा लोहा मतलब लोहा नहीं लोहा, जो एक छोटा छोटा फल होता है। किस टाइप का फल होता है मैं दिखाने वाला हूँ आप लोग को। ये रहा वो फल, ये दिख रहा आपको छोटा सा ये वाला, इसको खाया जाता है। एक ज़माने में मेरे दादाजी लोग मतलब खाते थे इसको जीवन गुजारने के लिए। तो ये पेड़ भी बहुत जाता है भाई, एकदम स्वाद टेस्टी, एकदम शुगर जैसे, शुगर मतलब चीनी जैसे एकदम टेस्ट है इसका। तो इसे तो हम अभी खा नहीं सकते, तो पेड़ में तो अभी एक दो गो है और बगल वाला पेड़ में है वहाँ पे हम जाएंगे। ये देख लो आराम से, देख लो ये देख लो कुछ इस टाइप से इसका फल है। अभी मैंने काफी सारा पत्ता तोड़ दिया इसके लिए और ये खा नहीं रहा भाई, खा रहा है पर बहुत धीरे धीरे खा रहा है आराम से। अभी ना काफी तेज हवा चल रहा है, मतलब कल रात को ना बारिश हुआ था यहाँ पे, पता है हम लोग गाँव में, मतलब गाँव में नहीं काफी जगह पे हुआ था बारिश, लेकिन हम लोग के गाँव में विशेषकर हुआ था बहुत ज्यादा ही बारिश। जो देख सकते हो पानी भरा हुआ है खेत में, एकदम भरा भरा, एकदम भरा भरा, और कल रात बारिश कर रहा था जोर शोर का, एकदम हवा भाई एकदम खतरनाक चल रहा था, एकदम खतरनाक, ऐसे लग रहा था एकदम घर को उड़ा लेगा, एकदम घर का छप्पर छप्पर एकदम उड़ा लेगा ऐसे लग रहा था। अभी हम निकल चुके हैं बेर खाने के लिए, बेर का बेर भाई वो उसको ना वो पसंद नहीं आया, वो जो पत्ता था ना अभी वो खा नहीं रहा, इतना सारा पड़ा हुआ है लेकिन वो खा नहीं रहा। तो इसके लिए अब दूसरा पत्ता तोड़ा जाए, बेर का पत्ता तोड़ा जाएगा जो कि बेर इसका बहुत पसंद है, मतलब समझ रहे बहुत ज़्यादा पसंद है इसे। और हम इसे खिलाने वाले हैं बेर का पत्ता। बेर आते ही साथ शुरू हो गया भाई, मेरे से पहले इसने शुरू कर दिया बेर खाना। और ये रहा बेर का पेड़, तोड़ने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं भाई, थोड़ा सा मेहनत करो और टेस्ट अच्छा है। फू भाई खट्टा बहुत है भाई। तो गाइस अभी मैं यहाँ आया था, ये जो पीछे दिख रहा होगा आपको बड़ा सा पेड़ है, मैं इससे इसके लिए पत्ता तोड़ने वाला था भाई। इसने जब मेरे को देखा ही नहीं ना, एकदम से भाई रोना शुरू कर दिया, समझ रहे हो, ऐसे दिमाग खराब हो जाता है यार। देख रहे ये अभी रोए जा रहा है भाई, तुम इतना सारा पत्ता पड़ा हुआ है यहाँ, मैंने तोड़ रखा है ये बेर का पत्ता भाई, ये खाने का वजह ये ना कि रो रहा है। तो गाइस कुछ इस तरह से गमछा को अपने सिर पे बांधा जाता है, जो कि गांव में इस टाइप का स्टाइल है और इस टाइप का लुक और इस टाइप का क्या बोलते हैं फैशन है। तो मैंने अपने गमछा को मैंने अपने सर पे इस टाइप से बांध लिया है और एकदम खतरनाक लग रहा है ना। अभी देखो गाइस अभी मैं आ चुका हूँ तालाब के साइड, तालाब की ओर और यहाँ पे देख सकते हो पीछे सिंचाई कुआ है, सिंचाई मतलब ये सरकार द्वारा खोदा गया कुआं है और यहाँ से सिंचाई के लिए आप यहाँ जितना भी पीछे देख सकते हो खेत है, ये खेत में आप लोग मतलब एकदम बगान वगैरह कुछ भी कर सकते हो, मतलब सिंचाई कुआ है मतलब इसका मतलब मेरे यहाँ पे कुछ भी आप कर सकते हो, बगानी वगैरह कुछ भी साग सब्जी उगा सकते हैं। तो इस टाइप से तो गाइस अभी मैं जा रहा हूँ मेरे छोटे भाई का जो जहाँ पे सब्जी उगाया है बगान में, तो मैं वहाँ जा रहा हूँ और मेरे को ना अभी सब्जी का ज़रूरत हो रहा है क्योंकि मेरे घर में अभी सब्जी है नहीं, तो मेरे को ना वो जाना है वहाँ और जो सब्जी है उसे भाई एकदम तोड़ ताड़ के लेके आना है। शाम का 6 बज रहा है और अंधेरा हो चुका है, जहाँ मैं दिन को आया था वहीं आया हूँ वापस। ये जगह देख लो जंगल वाला एरिया है, तो मैं यहाँ पे आया हूँ, मेरा भाई होगा या नहीं होगा पता नहीं, मेरे को देखना होगा यहाँ पे। और भाई बगान में तो कोई नहीं है, और ये लगाया बीन्स जिसको छोटे छोटे पौधा होता है ना वो बीन्स, और ये रहा मूली का फूल है देख लो भाई,
वाइट वाइट हो चुका है। अभी इवनिंग का टाइम पे उतना क्लियर नहीं दिख रहा है, लेकिन ये आलू लगाया हुआ है, ये वाला, ये दिख रहा है, ये वाला आलू है, आलू। और ये बगान लगाया हुआ है, ये मूली है। और साग कहाँ लगाया भाई, मेरे को साग लेके जाना था। काफ़ी ज़्यादा अंधेरा हो चुका है और मैंने ले लिया साग। ये देख लो, साग मैंने तोड़ लिया है। अभी मैं जा रहा हूँ घर,